गुड मॉर्निंग इंडिया, आप देख रहे हैं जालप व्लॉग्स। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। हाजिर हूँ आपके लिए एक नए ब्लॉग के साथ और आज हम जा रहे हैं राजनगर, कोई काम है वहाँ पे और हमें वहाँ पे 10-15 मिनट का काम है। तो आज हमेशा हम गाड़ी को किराए पे करके लेके जाते हैं और आज हम जाएंगे अपनी खुद की गाड़ी, जिससे आपको हमने पहले बताया दिया था कि हमने डिजायर गाड़ी ले ली है। तो आज हम अपनी खुद की इस डिजायर गाड़ी पर जाएंगे और आज जो अपनी गाड़ी है उसको हम खुद चला करके लेके जाएंगे। और घर से हो चुके हैं रवाना, सामने है बिरागी चौक। ये हमारे गांव की मेन गली है और ये एकदम गांव के बीचों बीच में है और यह गली हमारे गांव की सबसे व्यस्तम गली है। और सामने आप हमारे गांव का बस स्टैंड देखा था और अभी हम गांव की रोड पे हैं और अभी हम गांव से बाहर निकलने वाले हैं। ये आप देख रहे हैं हनुमान मंदिर और अभी हम गाँव से बाहर निकल चुके हैं। और ये जो बस स्टॉप है ये है 22 MD गांव का। ये 22 MD गांव के स्टॉप पे हम पहुंच चुके हैं। और अभी क्या है कि हमारे इधर काफ़ी खेतों में काफ़ी हरियाली है, फसलें खड़ी हुई है। ये है स्वामी केशवानंद कॉलेज, गरसाना का सबसे मेन कॉलेज। रोटरी चौक से निकलने के बाद अभी हम गरसाना से बाहर आ चुके हैं। ये है पत्रोड़ा गांव, जिसके बारे में हमने आपको पहले बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में। आप हमारे पुराने वीडियो देख करके इस गांव के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अभी हम NH 911 पे चल रहे हैं जो कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत इसे बनाया गया है। अभी हम राजनगर से 54 किलोमीटर की दूरी पर हैं और अनूपगढ़ में प्रवेश कर गए हैं। अभी आप अनूपगढ़ की बहुमंजिला इमारतों को देख रहे हैं जो कि NH 911 के बगल में है, जो कि अनूपगढ़ की सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। इस NH 911 के दोनों तरफ काफ़ी हरे भरे खेत खलिहान हैं जो कि इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। अनूपगढ़ एरिया में काफ़ी ईंट वाले भट्टे हैं जो कि इस एरिया में मजदूरी का बहुत ही बड़ा एक जरिया है। इन ईंट भट्टों की जो ईंटें हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी सिटियों में जाती है, जैसे जयपुर में, जोधपुर में, दिल्ली, आगरा, कलकत्ता तक यहाँ की ईंटें जाती है जो कि काफ़ी फेमस हैं। आज काफ़ी गाड़ियां लोहार वाले इस रोड पे मिल रहे हैं जो आजकल बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। यह हाईवे बनने के बाद इस हाईवे के दोनों तरफ काफ़ी होटल्स और छोटी छोटी दुकानें बन गई है, जिससे कि इस एरिए के लोगों को काफ़ी रोज़गार मिल गया है। इस एरिए के लोगों के लिए यह हाईवे एक वरदान साबित हुआ है, क्योंकि एक तो यहाँ के लोगों को काफ़ी मात्रा में रोज़गार मिल गया और दूसरा परिवहन में काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिली है। पहले इस रोड की हालत काफ़ी खस्ता थी। यह रोड हाईवे बनने के बाद इसके आसपास की जो ज़मीनें हैं उनमें काफ़ी उछाल देखने को मिला है। इस रोड का इस्तेमाल ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है क्योंकि इस पर काफ़ी ट्रक चलते हैं। बातें करते करते मालूम ही नहीं चला कि कब हम राजनगर में आ गए। और ये है राजनगर की धान मंडी, आपको राजनगर दिखाते हैं। राजनगर में जूस की दुकान पे आए हैं और अभी जूस पीने की बनवा रहे हैं, बोसली का जूस बनवा रहे हैं और ये भाई साहब यहाँ पे जूस बना रहे हैं और जूस पीने के बाद अपनी गाड़ी लेकर के चलेंगे।
रहायश नगर में अपना काम सिंगल हॉस्पिटल में चेकअप करवाना था, वो अपना काम हो गया है। ये आप रहायश नगर का मेन मार्केट देख रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारी दुकानें आपको देखने को मिलेंगी। डॉक्टर से अपने मिल चुके हैं, तो अभी हमने रहायश नगर में कोई और काम तो है नहीं, तो अपना मेन काम यही था कि डॉक्टर से मिलना था, और उनसे हम मिलने के बाद अभी हम घर के लिए चल पड़े हैं। जीण माता मंदिर रहायश नगर, जय जीण माता। सामने बहुत ही अच्छी दोस्ती देखने को मिल रही है, ये दोस्ती हम ना तोड़ेंगे। रहायश नगर में जो काम था वो हमारा 10-15 मिनट का ही था, वो हमने कर दिया है, और उसके बाद में हम रहायश नगर से बाहर निकल गए हैं और अभी हम गढ़साना की तरफ जा रहे हैं। अगर रास्ते में कोई हमें अच्छा सा व्यू दिखाई दिए तो आपको दिखाएंगे, अन्यथा आपको डायरेक्ट गढ़साना में ही। अभी हम गढ़साना लेगा पेट्रोल पंप पे पहुंच चुके हैं और गाड़ी में डीजल डलवा लिया है, और अभी हम बाइक के लिए भी एक कैनी में डीजल डलवा रहे हैं। ये है गढ़साना की सब्जी मंडी, घर के लिए कुछ सब्जी ले लेते हैं। यहाँ पे वीडियो क्लिप बनाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि सभी मेरे को घूर घूर के देख रहे हैं, जैसे मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ। ये है गढ़साना का सुप्रसिद्ध गुलशन आइसक्रीम वाले की दुकान, और ये हमारा भाई लखा सिंह यहाँ पे आइसक्रीम बेचता है, तो जो भी भाई आइसक्रीम खाए तो प्लीज़ लखा सिंह से ही लिया करो। अभी अपनी गाड़ी में चलते हैं और यात्रा का करते हैं द एंड। आज के व्लॉग का करते हैं यहीं पे द एंड, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।